Yeah, and I'm alive, and thank God for it. I mean, you know, is all I can say. I mean, कि मैं बना भी और उसके बाद खत्म भी हुआ, एंड आई गॉट अनदर चांस. सो मेंटल डिप्रेशन का जरूरी नहीं है कि मेरे पास अगर स्ट्रगल चल रहा है तो ही होगा. सम पीपल गो थ्रू इट व्हेन दे आर डूइंग रियली वेल इन लाइफ. देखिए, मेरे पास काम इस वक्त है नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, और अगर आप दे सके तो बहुत बहुत थैंक यू. एक्टर्स क्या होता है, हम लोग बहुत ईगो बहुत बड़ा होता है एक्टर्स का. हम सोचते हैं कि अरे मैं अच्छा हूं तो मुझे बुला लेंगे. नहीं भाई, उन्हें याद नहीं है आप आउट ऑफ वर्क हैं. यस सर, शादुर, वेलकम टू टेली मसाला. हाय. अच्छा, सो बिग बॉस के लिए मेनी कांग्रेचुलेशंस. क्या लगता है, क्या फीलिंग जब पहला कॉल आया था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं. इट सम्स अप ऑल दैट आई हैव बीन इन द पास्ट 2 साल जो मैंने देखा. उसके बाद ये होना, मतलब यू नो, मैं कल कुछ लिख रहा था, मैं लिखता हूँ तो मैं यही कह रहा था कि मैं फेस हूँ ऑफ होप. यू नो, अगर कोई मुझे कभी भी मिले जिंदगी में तो वो मुझे देखे ये तो कह सकता है, यार अगर इसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है. यू नो, अगर टाइम इसका बदल सकता है तो मेरा भी बदल सकता है. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से. Yes, actually. And क्या, you know, what do you think कि किस तरह काम आएगा ये शो आपके करियर में आगे, किस तरह फ्यूचर के लिए, किस तरह बीबी ये जो है, you know, important कितना रोल प्ले करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. यू नो, मैं एक एक्टर पहले से था, ऐसा नहीं है कि मैं अब बनूंगा. मैं था लेकिन कोई जानता नहीं था मेरे बारे में. मतलब मेरा शो कोई कलर्स पे आने वाला नंबर वन शो टीआरपी का था नहीं. तो भले ही मैंने कितना भी अच्छा काम किया हो, कितना भी दिल लगा के काम किया हो, पर वो लोगों तक पहुंचा नहीं. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि प्लेटफॉर्म बड़ा होना बहुत जरूरी होता है फॉर थिंग्स टू रीच टू द पीपल. अब आपसे ही मेरी कितनी बार बात हुई, आई थिंक पहली बार आज बात हो रही है, और ये हो रही है बिकॉज ऑफ बिग बॉस. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल. इट्स ऑलरेडी देयर कि मतलब ये शो एक ऐसा शो है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं. तो एटलीस्ट एक गुमनाम आइडेंटिटी से आई थिंक आई विल बी नोन. ओके सो शार्दुल, जैसे कि हमने देखा लॉकडाउन में आपने जिस तरह आपकी स्टोरी शेयर की, उस फेज के बारे में जानना चाहेंगे और ज्यादा, क्योंकि यू नो आई लव द वे यू स्पोक, यू वर वेरी मच वोकल अबाउट इट सोशल मीडिया पर. इस तरह शायद ही कोई बात करे, यू नो, बिकॉज आई इंटरव्यू पीपल, आई गेट टू नो, अरे बात चल रही है, 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पीपल रियली डोंट से इट कि मेरे पास काम नहीं है, पाइपलाइन में है. Yes, exactly. So, ये जो आपने बात कही, so hats off to you for that. उस फेस के लिए के बारे में बताइए प्लीज. आई थिंक उस फेस के बारे में जितना बिना लोगों को बोर किए मैं बता सकता था, मैंने उस पोस्ट में बता दिया. क्योंकि क्या होता है हमारे यहाँ, अगर हम ज्यादा भी अपने दुख और दर्द की बात करें तो लोग अच्छा, मतलब इट्स नॉट नाइस, यू नो, पीपल फाइंड इट बोरिंग. एंड आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू बी समबडी लाइक मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि हुआ था एंड यू हैव टू फेस इट. यू नो, ये ही जिंदगी है कि भाई कभी भी कुछ भी किसी के भी साथ हो सकता है. Why I spoke about it is that there were 2 reasons. एक मेरी दोस्त अंकिता जो है, उन्होंने बहुत सही बात कही. उन्होंने कहा नीना गुप्ता जी के साथ भी सालों पहले ऐसा हुआ था कि जब काम नहीं था और उन्होंने लिखा एंड पीपल रीच्ड आउट. कई बार ना हम लोग एक्टर्स क्या होता है, हम लोग बहुत ईगो बहुत बड़ा होता है एक्टर्स का. हम सोचते हैं कि अरे मैं अच्छा हूं तो मुझे बुला लेंगे. नहीं भाई, उन्हें याद नहीं है आप आउट ऑफ वर्क हैं. आपको लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा. और जब आप इंडिविजुअली लोगों को कॉल करते हैं और मैसेज करते हैं तो लोग उसको इतना अच्छी तरीके से लेते नहीं है. दे लाइक आई विल कॉल यू बैक, और हम बता देंगे. यू नो, कोई भी कास्टिंग के लोग हों, कोई भी मैनेजर्स हों, कोई भी चैनल के लोग हों, सब बोलते हैं यार काम मांगने आ गया. तो आई थॉट सोशल मीडिया, जहां पे आज हम अपने जिम के फोटोज डाल सकते हैं, अपने डालगोना कॉफी के फोटोज डाल सकते हैं, वहां पे ही क्यों नहीं मैं यूज करूं इस प्लेटफॉर्म को टू आस्क फॉर वर्क. कि देखिए, मेरे पास काम इस वक्त है नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, और अगर आप दे सके तो बहुत बहुत थैंक यू. एंड आई थिंक वो बहुत ऑनेस्टली से लिखा गया था, इसीलिए आई थिंक इट रीच्ड पीपल. एंड आई एम इन फैक्ट ग्लैड बिकॉज यू नो अ लॉट ऑफ एक्टर्स. उसके बाद मुझे जो आपने बोला भाई, बहुत सारे एक्टर्स ने भी मुझे कॉल करके बोला कि दिस इज ब्रेव ऑफ यू. सो आई रियलाइज कि इतना इतना जो हम डरते हैं सच्चाई के बारे में बात करने से, उसकी जरूरत है नहीं. लोग जब हम बोलते हैं सच्चाई को ना, बहुत अच्छे से लेते. आई हैव सीन दैट इन माई लाइफ. Right. Okay. So, इसकी बात की और बहुत ज्यादा ये फिर बातें आने लगी मेंटल इलनेस को लेकर. सो
के बारे में यू नो व्हाट इज योर टेक ऑन इट यू नो हैव यू बीन थ्रू इट एंड टेल अस मोर अबाउट डिप्रेशन ऑफ कोर्स आई हैव बीन थ्रू इट एंड आई हैव एडमिटेड इट इन माय पोस्ट एंड यू नो समझना ये जरूरी है कि फेज आते हैं ना जब लाइफ में अच्छे और बुरे तो लोगों को हो ही सकता है लेकिन उसके बिना भी हो सकता है मेंटल डिप्रेशन का जरूरी नहीं है कि मेरे पास अगर स्ट्रगल चल रहा है तो ही होगा सम पीपल गो थ्रू इट व्हेन दे आर डूइंग रियली वेल इन लाइफ बहुत जरूरी है कि हमारी कंट्री में इसे समझा जाए क्योंकि क्या होता है जो इंसान उससे गुजर रहा होता है वो बहुत तकलीफ में होता है वो बहुत दर्द में होता है लेकिन ये पेट का दर्द नहीं है या ये फ्रैक्चर नहीं है या ये यू नो इट्स नॉट लाइक अ फिजिकल एलिमेंट दैट यू कैन सी तो लोग आपके साथ सिंपथाइज भी नहीं करते एम्पथाइज भी नहीं करते हैं हमारे यहाँ मजाक उड़ाया जाता है हमारे यहाँ लोगों को पागल बोल दिया जाता है हमारे यहाँ लोग पहली बात तो मानना ही नहीं चाहते सीधे बोल देते हैं अरे ज्यादा मत सोच आप ये नहीं बोल सकते हैं जो उस चीज से गुजर रहा है क्योंकि वो ज्यादा सोचेगा अरे तू तो ज्यादा परेशान हो रही है या हो रहा है नहीं आपको उसको बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए इन आवर कंट्री द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट टॉक अबाउट इट यू नो एंड व्हेनेवर समवन डज इट जब कोई खुल के बोलता है तो हम कहते हैं वो पीआर या पब्लिसिटी के लिए कर रही है या कर रहा है दैट्स रॉन्ग ओके वही अगर कमिंग बैक टू बीबी किस तरह से क्योंकि शो स्टार्ट हो गया है व्हाट रोल आर यू गोइंग टू प्ले इन द हाउस देखिए ये एक स्क्रिप्टेड शो तो है नहीं कि मैं बोलूं कि मैं घर का विलेन या कॉमेडियन या हीरो बनूंगा ऐसा तो है नहीं तो कौन सा रोल मैं प्ले करूंगा पता नहीं जिनके 24 घंटों में हम सारे लोग सारे रोल्स प्ले करते हैं अगर हम हमारी नींद अच्छी हो जाए तो हम लोग बहुत अच्छे हीरो हीरोइन बन के उठ के बड़े प्यार से लोगों से बात करते हैं और अगर हम क्रैंकी होते हैं तो हमारे अंदर का विलन भी बाहर आ जाता है और अगर हम अच्छे मूड में हो दोस्तों के साथ तो कॉमेडियन भी बन जाते हैं तो रोल डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा पर एक चीज है जो मैं करना चाहता हूँ वो ये कि मैं जेन्युइनली ये चाहता हूँ कि सो मेनी यंगस्टर्स हु आर फ्रॉम स्मॉल टाउन्स एंड हु वांट टू बिकम एन एक्टर एंड यू नो हु आर जो, जो जो जिनके बड़े बड़े सपने हैं उनके लिए एक एक रे ऑफ होप मैं बनूं क्योंकि मेरी लाइफ में वो सब हुआ कि मैं बना भी और उसके बाद खत्म भी हुआ एंड आई गॉट अनदर चांस सो आई वांट टू बी द फेस ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री दैट इफ यू आर जस्ट पॉजिटिव एंड पेशेंट एंड कीप वर्किंग देखिए क्या है जब मेरा सब कुछ खत्म हो गया था तो भी मैंने एक चीज करी कि मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए भले ही 5 लोग देखें या 6 लोग देखें वीडियोस बना रहा था मैं कविताएं लिख रहा था मैं पेंटिंग कर रहा था मैं रील्स बना रहा था दिस इज व्हाट आई केप डूइंग एंड आई एम श्योर ये सब कुछ उन्होंने भी देखा होगा कि ये पर्सनालिटी क्या है कोई आपको शो इसलिए नहीं देता है कि आपका काम खत्म हो गया था चलो उसको काम दे रहे सो नोबडी गिव्स यू वर्क किया सिंपथी कार्ड में बिग बॉस ने मुझे इसलिए ये शो नहीं दिया है कि उनको मेरे पे दया आ गई उन्होंने मुझे इसलिए शो दिया क्योंकि उन्होंने मेरी स्टोरी देखी उन्होंने देखा अच्छा ये कॉन्टेंट दे सकते when your bad face comes in if you don't give up and if you keep doing मतलब अगर आप एक डांसर हैं तो आप डांस करते रहिए जरूरी नहीं है कि आप झलक दिखला जा पे ही आ रहे हो अगर आप एक पेंटर हैं तो आप पेंट करते रहिए भले ही आपकी यू नो म्यूजियम में नहीं लग रही हो पेंटिंग अगर आप सिंगर है तो रियाज करते रहिए मैं एक क्रिएटिव आदमी हूँ मैं रेडियो से हूँ मैं एक्टर था तो मैं अपने ही चीजें बना बना के कर रहा था कि मैंने एक दिन अपना वीडियो डाला ऑफ पोएट्री एंड ऑल एंड पीपल स्टार्टेड सीइंग इट एंड आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फॉर अदर शोज ऑल्सो So that's what I'm trying to say that, you know, don't give up because that is, जब वो कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा you know, शुरुआत फिर से हो सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी चीजें खत्म हुई पर उस समय बहुत जरूरी होता है कि आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा करेक्ट ओके शार्दुल जैसे कि हमने देखा है लॉकडाउन में ऐसे ही एक्टर कई एक्टर्स है जिनको काम ना मिलने की वजह से उन्होंने ऐसे स्टेप्स भी ले लिए है you know? जो उन्हें नहीं लेने चाहिए सुसाइड हो रहे हैं बहुत ज्यादा ऐसी खबरें आ रही है सो ऐसा यू नो हैव यू बीन थ्रू दिस फेज मेंटली कि आपको लगा सब खत्म हो गया है एंड आई डोंट हैव एनीथिंग नाउ लेफ्ट या एंड हाउ डिड आई एम हियर आई एम अलाइव एंड थैंक गॉड फॉर दैट is all I can say. I mean, people should reach out for help. I did. I told my friends, Karan, Ankita, my flatmate, my sister, I told them that
what was going through my mind. And I think that was the best thing that I did. Once I did that, they were aware that, you know, ye kis mental zone se nikal raha hai. And they did small little things jo bahut badi ban jati hai. In fact, you have met me at Ankita's house because I was not just there to just eat food. I was there to, because they were, matlab wo chote chote reasons banate the ki isko bula lo roz. You know, ki are aaj ye khane mein banaye, are meher ko dekhne aa ja, ya are main akeli hu, I am about to deliver, tu ghar kyun nahi aa raha hai? या करण मुझे कॉल करेगा और बोलेगा कि अरे यार अंकिता के लिए मुझे कहीं जाना है तो चिल करना उसके साथ, या फिर घर आज हम एक नई सीरीज देखेंगे. तो आई रियलाइज दैट ये लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि दे डिडंट वांट मी टू बी अलोन. एंड जेन्युइनली अगर आप ये लिख सकें तो जेन्युइनली इफ यू हैव गुड फ्रेंड्स इन लाइफ ना, आपका स्ट्रगल बहुत आसान हो जाता है. एट दैट टाइम करण, अंकिता, माई सिस्टर रुचिता एंड माई फ्लैटमेट, दे जस्ट, ये मेरा सपोर्ट सिस्टम बन गए. और छोटा सा ही वक्त लगता है आपको रियलाइज करने में कि जो मैं सोच रहा था वो गलत सोच रहा था. आई नीड टू लिव, आई नीड टू, बिकॉज मेरे लिए मेरी माँ इंपॉर्टेंट है, वो नहीं झेल पाएंगी. मेरा जो नेफ्यू है 4.5 साल का, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं बड़ा एक्टर हूँ या छोटा एक्टर हूँ, वो मुझसे प्यार करता है. करण और अंकिता को ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास पैसे कितने हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं. सो यू रियलाइज योर रियल इंपॉर्टेंस एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी. यस. अच्छा, बिग बॉस की बात करें तो फॉलो किया था इसके पहले का सीजन, कौन फेवरेट कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला के, क्या ख्याल है? बहुत मजेदार है. आई मीन ही नोज हाउ टू प्ले विद द कैमरा. अगर वो यू नो ही इज एक्चुअली लाइक, वो सीनियर नहीं होते स्कूल और कॉलेज में कि जो अरे चल इसके मजे लेते हैं. सो ही इज वेरी एंटरटेनिंग यार. मुझे तो बहुत मजा आता है कि जब वो मस्ती के मूड में जब अपने आ जाते हैं, बहुत ही मजेदार हो जाता है. लाइक आई वॉज वॉचिंग लास्ट ईयर ऑल्सो द वे ही वॉज यू नो देबोलिना के साथ मजे ले रहे हैं, कभी शहनाज के साथ ले रहे हैं, कभी विशाल के साथ ले रहे हैं. He was very entertaining and that is why the India, like the entire country loves him. Yes. अच्छा, अभी फिलहाल जो चल रहा है सीजन, जब आप जाओगे तब you know शायद कुछ दिन, मतलब बाकी जो freshers हैं वो set हो गए होंगे घर पर, तो किस तरह से कुछ strategy है आपकी, किस तरह से how will you break the ice with all the contestants, क्योंकि आप नए होंगे तब सबके लिए. ये होगा, मुझे भी मालूम है. वो जैसे कि अगर आप एक पार्टी में थोड़ा सा लेट आते हैं तो सब लोग देखते कौन आया, और तब तक सब लोग थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा ओके. एंड यही स्कूल में भी होता है, कॉलेजेस में भी होता है. बट आई थिंक जैसा मैं हूँ, मुझे नापसंद करने के लिए आपके अंदर बहुत गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं, मेरे को पसंद कर ही लेते लोग. यू नो इन माई पर्सनल लाइफ आई हैव सीन, और अगर कोई मुझे नहीं पसंद कर रहा है तो उसका अपना एजेंडा है, तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता कि भाई अगर आपको मेरी शक्ल खराब लगती है तो थैंक यू सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए. लेकिन मैं उन इंसान में से हूं नहीं जो अंदर घुस के आपको थप्पड़ मारेगा जस्ट बिकॉज टू बी सीन ऑन कैमरा. सो आई थिंक इट्स इजियर टू यू नो जेल विथ मी. बट या ये होगा, आई एम अवेयर ऑफ इट. अच्छा, फिलहाल जिस एपिसोड चल रहे हैं, आई एम श्योर आप देख ही रहे होंगे, सिद्धार्थ और निक्की क्लोज आ रहे हैं, यू नो लव एंगल बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, पवित्र है, राहुल वैद्य है, तो आर यू ओपन फॉर लव इन द हाउस? अब ये लव एंगल है या नहीं ये तो मुझे अंदर जाने के बाद पता चलेगा. क्या है कि एक प्रोमो देख के नहीं समझ में आता है. प्रोमो में मैं, जैसे आपकी और मेरी बातचीत हो रही है और जहाँ पे कैमरा कट गया, अगर मैं वो दिखा दूँ तो ऐसा लगेगा हमारे बीच में झगड़ा हो गया, पीछे धड़ांग 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 डाल दूँ तो लगेगा झगड़ा हो गया, या मैं अगर डाल दूँ कि मेरे सोनिया सुन ले मेरी, तो लोग हम लोग प्यार में बात कर रहे हैं. सो इट इज प्रोमो पे पिक्चर का जजमेंट करने वाला इंसान मैं हूँ नहीं. अंदर जाके पता चलेगा कि कितनी लव स्टोरियां एक्चुअली में है, और वो लव स्टोरी की सच्चाई तब बाहर आ जाती है जब जो शो खत्म हो जाता है या फिर जब टास्क खत्म हो जाता है. वैसा लव नहीं हो पाएगा मुझे. अगर हुआ तो वैसा वाला होगा कि भाई लोग, जैसे मुझे सिद्धार्थ की बात बहुत अच्छी लगी, शहनाज और उनकी बात हो रही थी, तो मैंने कहा बाहर देख के, बाहर निकल के बात करेंगे, यू नो अगर ये चलना ही है तो. मुझे वो सच में नहीं समझ में आता है कि जब 150 कैमरा होते हैं तो इतना प्यार कैसे आ जाता है कि आपका सारा कंट्रोल चला जाता है. ऐसा होता नहीं लाइफ में. You know, ये कुछ एक्टर्स इसलिए करते हैं क्योंकि ऑडियंस को वो पसंद आता है, पर आई थिंक ऑडियंस भी बहुत समझदार हो गई है. पहली बात तो ये स्प्लिट्स वाला तो है नहीं कि यहाँ पे हम लव करने जाएं, क्योंकि ये जोड़ियों का शो नहीं है, ये इंडिविजुअल शो है.
और मैंने ये हमेशा कहा है और ये मैं आगे भी कहूंगा कि मैं स्प्लिट्सविला में नहीं, मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ। तो लव करेंगे नहीं करेंगे इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, हो गया बहुत अच्छी बात है, पर इतनी जल्दी प्यार होता नहीं है, और जो होता है उसे अट्रैक्शन बोलते हैं, उसे प्यार नहीं बोलते हैं। Yes. And any last message to all the fans out there watching you, who will be watching you on national television, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? तो शायद मैं अकेला ऐसा कंटेस्टेंट हूँ इस सीजन जिसके शायद उतने फैंस हैं नहीं, बल्कि बनेंगे अब। मेरे पूरे 6 फैन हैं इंक्लूडिंग माय फैमिली राइट नाउ। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट फैंस से ज्यादा मुझे आपकी दोस्ती और सपोर्ट की जरूरत है। आई एम समबडी जो बहुत प्राउडली अब ये कह सकता है कि आई एम नाउ अ कॉमन मैन, आई वॉज अ कॉमन मैन एंड देन माई जर्नी हैपेंड, मैं सेलिब्रिटी बनने ही वाला था कि फिर से कॉमन मैन बन गया, तो ये फिर से मेरी शुरुआत है। अगर आप लोगों का साथ मुझे मिल गया और सपोर्ट मिल गया तो मेरे जो ब्रोकन ड्रीम्स हैं, टूटे सपने, वो शायद फिर से एक बार टेक ऑफ कर लेंगे। तो अगर आपको लगे कि मैं डिजर्व करता हूँ टू बी सीन एंड टू बी गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, प्लीज सपोर्ट, बिकॉज हमारे पास ना तो भाई बहुत बड़ा फैन बेस है, ना बहुत सारा पैसा है पीआर खरीदने के लिए, तो जेन्युइन दिल के कनेक्शन अगर बन गए तो वही मुझे बचा सकता है। थैंक यू सो मच शार्दुल एंड ऑल द बेस्ट टू यू।